खरगोन जिले में नव दुर्गा पर्व शुरू होते ही बाजारों की रंगत खिल गई। मां दुर्गा जी की प्रतिमाएं दुकानों पर सजी और श्रद्धालु घट स्थापना के लिए मूर्तियां खरीदते नजर आए। हम आपको बता दें कि कोरोना काल के बाद कम बारिश से समूच निर्माण आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में मूर्ति खरीदी को लेकर ग्राहकों की कमी देखी गई। इस दौरान दुकानदार रितेश ने बताया कि पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष का धंधा बहुत कम चल रहा है। वहीं दुकानदार ने बताया कि 51 रुपए से लगाकर 10,000 रुपए तक की मूर्तियां बेच रहे हैं और ग्राहकों को कम दाम पर सुविधा मुहैया कराने के बाद भी धंधा कम चल रहा है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। इस बार कैसा क्या व्यवसाय रहा, कहाँ से कहाँ तक मूर्ति बिक्री है आपकी? हमारे पास मूर्ति बाज़ार में 51 रुपए से ले कर 10,000-11,000 तक की मूर्ति बड़े बड़े पंडालों के लिए उपलब्ध थी। इस वर्ष माता जी के मूर्तियों का व्यवसाय जिस प्रकार हर वर्ष हो रहा था, पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष हम लोगों ने मूर्तियाँ और आकर्षक मूर्तियाँ लाने का प्रयास किया और मूर्तियाँ भी आई मार्केट में, मगर जिस हिसाब से प्राकृतिक समस्या जो रही है, जैसे कोरोना महामारी और जैसे आप बारिश का वातावरण जो बिगड़ा, उससे हमारे व्यापार को बहुत फर्क पड़ा है और सारे व्यापारी श्रद्धालुओं का मान सम्मान बनाते हुए कम से कम मूर्ति लेकर आए और अधिक से अधिक लोगों तक मूर्तियां पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। वर्षा ऋतु के आने जाने के और फसलों का नुकसान होने के कारण किसान वर्ग जो व्यापारी को लाभ पहुंचाता था, उससे बहुत प्रभावित हुआ है। क्या नाम है आपका? रितेश पटेल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।